स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुदल हर्बल ब्लॉग्स और आज हम एक ग्लोव बॉक्स बनाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पेट्री डिशेज में या और जहां भी इनोकुलेट करना होगा एक स्टीराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इनोकुलेशन के लिए। तो ये बड़ा सा डब्बा मैंने लिया है, देखिएगा आप, ये अपने ऑटोक्लेव का बॉक्स है, काफी बड़ा है साइज में और ये मैंने लिया है। और इस तरह से मैंने इस पे स्केल की सहायता से निशान बना लिए हैं, ये देखिए, और मार्कर से मैंने निशान बना लिए हैं। और ये टेप है मेरे पास जिससे मैंने ग्राफ्टिंग टेप, और उससे मैंने ये इस तरह से गोल घेरे बना लिए हैं, देखिएगा। अब मैं चाकू की सहायता से ये जो हिस्सा है ये पीपिन के लिए अंदर झांकने के लिए काट लूंगा, और ये दोनों हिस्से चकोर काट लूंगा गोल काट लूंगा इस तरह से, जिनमें से ग्लोव्स हम डालेंगे और हाथ अंदर जा सकते हैं काम करने के लिए। तो इस बॉक्स के अंदर एक विशेष प्रकार का स्टीराइल एनवायरनमेंट रहेगा जिसमें कोई किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से जो हमारा कल्चर है उसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये एक तरह से मैंने रिप्लेसमेंट बनाई है जो ग्लोव बॉक्स होता है उसकी। ग्लोव बॉक्स अगर हम परचेज करते तो काफी महंगा होता और इसलिए हमने एक सिस्टमेटिक वे से इस डब्बे का ही ग्लोव बॉक्स बना लिया है। तो मैं बना रहा हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से हम इसको फर्दर बनाएंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया है, दो हाथ डालने के लिए ये एक छेद हाथ डालने के लिए राउंड सर्कल में हमने कर लिया है, और दूसरा हाथ डालने के लिए ये छेद हमने इस तरह से इस बॉक्स में किया है, और ये विंडो के लिए हमने कट कर लिया है यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे जैसे टेप लगा दूंगा इसकी यहाँ पे भी, ताकि ये विंडो कहीं जाए नहीं, यहाँ से सेलो टेप लगा दूंगा, यहाँ एक सेलो टेप जैसे यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा दी है, और इस पे भी मैं एक सेलो टेप लगा दूंगा ताकि इसको यहीं ऐसे ओपन और क्लोज किया जा सके, लिड बन जाए इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो ग्लोव बॉक्स है वो तैयार हो गया है। ये हमने स्क्रीन जो है पीपिंग के लिए इसमें लगा दी है, और इसको हम ढक भी सकते हैं ऐसे ताकि रोशनी बाहर ना आए। मैं इसमें यूवी लगाऊंगा अंदर, जिससे जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो स्टरलाइज हो जाएगा यूवी के लिए। इसके अंदर ये मैंने ग्लोव्स डाल दिए हैं, ग्लोव्स मैं आपको दिखाऊं, ये ओपनिंग है इसकी, यहाँ मैंने ग्लोव्स डाल दिए हैं इसके इनसाइड। अब जो हाथ हैं वो इसमें अंदर डायरेक्ट ग्लोव्स में आएंगे, ये ग्लोव्स डाल दिए हैं हमने इसमें। हाथ डालने के लिए हमें ग्लोव्स में हाथ डालने पड़ेंगे। तो अब इसके अंदर कोई भी चीज़ रख के हम काम कर सकते हैं, और पीपिंग विंडो से हम अंदर पीप कर सकते हैं, झांक सकते हैं। ये इस तरह से कुछ इस तरह से हम इसको रखेंगे, और यहाँ से जब हम इसको रखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं किस तरह से वो तैयार हो गया है। ये दो छेद हैं और ये स्क्रीन है, और यहाँ से हम देख सकते हैं अंदर, और यहाँ से हम हाथ डाल सकते हैं। तो जब जी हम यहाँ से हाथ डालेंगे तो ये अंदर जो ग्लोव्स है, जो ग्लोव है उसके अंदर आपका हाथ चला जाएगा, और यहाँ पूरी स्वतंत्रता के साथ इसके अंदर काम कर सकेंगे। इस तरह से पूरा भार जो भी हाथ है, जो चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है वो कर सकते हैं। ये देखिए, तो अंदर आपके हाथ पर जो कंटेमिनेशन लगा है वो भी नहीं जाएगा, और इसको अंदर से हम यूवी से स्टरलाइज कर लेंगे। और अंदर मैंने अभी लाइट लगाई हुई है इसमें, मैं सोच रहा हूँ इसमें दो विंडोज और दे दूँ ऊपर से, जिससे लाइट छनके आती रहे, बट अंदर लाइट रखना और भी अच्छा रहेगा। तो अंदर छोटी सी लाइट इसके अंदर लगा ही देंगे। तो ये देखिए हमारा ग्लोव बॉक्स जो हमने काम करने के लिए बनाया है वो तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरा DIY क्राफ्ट अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट भेजें कैसा लगा आपको मेरा DIY क्राफ्ट। ये यहाँ पे हमने ग्लोव बॉक्स को लगा दिया है, और इसके अंदर यूवी लाइट लगा दी है, ताकि इससे ये देखिए यूवी लाइट है ये, ताकि इससे जो
इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब इसको छोड़ देंगे, हम दूर चले जाएंगे इससे, बहुत ज़्यादा यूवी एक्सपोजर हम नहीं लेते।